नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा इस समय पूरी तरह चुनावमय हो रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर आप कहीं चले जाएं, चाहे चाय की दुकान हो, पनवाड़ी की दुकान हो, गली का नुक्कड़ हो, आप कहीं खड़े हों, गांव की चौपाल हो, तमाम जगह आपको आज राजनीतिक चर्चाएँ सुनने को मिलेंगी। राजनीतिक चर्चाएं ये कि किसका किससे गठबंधन हो रहा है, किसका किससे गठबंधन टूट रहा है, किसको कौन सी पार्टी का टिकट मिल सकता है, कौन सी पार्टी का किसका टिकट कट सकता है, कौन सी पार्टी की हवा चल रही है, किस पार्टी की हवा निकल रही है, कौन आगे जाएगा, कौन, मतलब तमाम चर्चाएं लोगों के अंदर आज पॉलिटिकल हैं। और होता भी है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो लोगों के बीच में चुनाव को लेकर के खासा उत्साह रहता है। और आप मान करके चलें तो भारत के अंदर तो चुनाव एक मेला है, एक जश्न है, एक उत्सव है, एक त्यौहार है, और उसी त्यौहार में लोग सब रंग जाते हैं। चुनाव के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है कि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव, क्योंकि अब फिलहाल विधानसभा का चुनाव है, तो लोगों के बीच चर्चा रहती है कि अमुक विधानसभा से कौन नेता आगे बढ़ रहा है, अमुक विधानसभा में कौन नेता पीछे जा सकता है, इस विधानसभा में किसको टिकट मिल सकती है, इस विधानसभा में किसकी टिकट अब कट सकती है, इस विधानसभा के अंदर विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, ये तमाम बातें होती हैं जो लोगों के बीच रहती हैं। और कुछ इसी को लेकर हम लगातार हम भी आपसे चर्चा करते हैं अलग अलग विधानसभाओं को लेकर के कि कहाँ क्या हो रहा है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ हरियाणा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित विधानसभा, हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा कि जहां के नेता ज्यादातर सरकार के अंदर वजीर बनते हैं, जहां से चुने हुए विधायक ज्यादातर सरकार का हिस्सा बनते हैं, एक ऐसी विधानसभा जहां पर ज्यादातर पंजाबी या वैश्य अग्रवाल समाज के लोग प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, एक ऐसी विधानसभा जहां पर कि चाहे वो सरकार चौधरी बंसी लाल की रही हो, चाहे वो सरकार चौधरी भजन लाल की रही हो, चाहे वो सरकार चौधरी देवी लाल की रही हो, चाहे वो सरकार मनोहर लाल की रही हो, और चाहे सरकार अब नायब सैनी की है, वहाँ का नुमाइंदा मंत्रिमंडल में जगह ज़्यादातर पा लेता है। हिसार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहाँ पर कि नेताओं का जादू चलता है। मैंने आपसे बताया कि हिसार ऐसी विधानसभा है जहाँ पर ज़्यादातर वैश्य यानी कि अग्रवाल समाज या पंजाबी समाज के नेता विधायक रहे हैं। तो हिसार के अंदर ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल परिवार का दबदबा रहा है। ओम प्रकाश जिंदल जी यहाँ से विधायक बने दो तीन बार, धर्मपत्नी उनकी सावित्री जिंदल जो भारत की सबसे रईस महिलाओं में शामिल हैं वो भी विधायक रही, यहाँ से मंत्री भी बनी, ओपी जिंदल साहब भी मंत्री बने। पंजाबी समाज से जाएं तो यहाँ से ओपी महाजन, ओम प्रकाश महाजन विधायक बने, मंत्री बने, निर्दलीय भी बने, पार्टी से भी बने। अगर आगे चलें तो फिर एक बार यहाँ से सैनी नेता विधायक बने 1987 में, चौधरी हरि सिंह सैनी यहाँ से विधायक बने, उन्होंने सैनी समाज का प्रतिनिधित्व किया। हिसार विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है, मैंने बताया आपको, शहरी सीट है, और यहाँ पर क्योंकि जब भी कभी चुनाव आता है दोस्तों, तो अब चुनाव के अंदर मान करके चलें कि चुनाव में ये चर्चाएं जरूर होती हैं कि अमुक जाति की, अमुक पाल की, अमुक गोत्र की, अमुक बिरादरी की यहाँ पर ज़्यादा वोटें हैं। भले ही तमाम राजनीतिक दल कहते रहे कि वो इसको आंकड़ा नहीं बनाते या इस आधार पर टिकट नहीं दिया करते, लेकिन आप मान करके चलें कि राजनीतिक दलों का पहला आधार ये होता है कि जिस नेता को वो टिकट दे रहे हैं उसके समाज के, उसके समर्थन के, उसकी जाति के कितने वोट हैं और वो कैसे आगे बढ़ सकता है। तो मैं आपको बता रहा था हिसार विधानसभा के अंदर पंजाबी मतदाता बड़ी संख्या में है, वैश्य अग्रवाल मतदाता बड़ी संख्या में है, और यहाँ पर सैनी मतदाता भी बड़ी संख्या में है। सैनी मतदाताओं का भी अपना एक आधार है यहाँ पर, और जो नेता यहाँ से चुने जाते रहे, मैंने आपको बताया कि 1987 में हरि सिंह सैनी यहाँ से विधायक बने थे, चौधरी देवीलाल की लहर थी। 1991 के चुनाव में यहाँ पर ओपी जिंदल विधायक बन गए, ओम प्रकाश जिंदल साहब, ओपी जिंदल यहाँ से विधायक बने। उस समय हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास मंच बन गया था चौधरी बंसीलाल का। 1996 में यहाँ से निर्दलीय विधायक बने ओपी महाजन और सरकार में वजीर भी बने। 2000 में यहाँ से 2000 का चुनाव आया तो फिर यहाँ पर ओम प्रकाश जिंदल चुनाव जीत गए। 2005 में भी यहाँ पर ओम प्रकाश जिंदल चुनाव जीते, और 2005 में ओम प्रकाश जिंदल ओपी जिंदल चुनाव जीत करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वजीर बने। लेकिन वही दौर था कि जब एक विमान हादसे ने ओपी जिंदल को दुनिया से अलविदा कर दिया, तो उनको उनकी मौत हो गई और उनको दुनिया से छीन लिया। ओपी जिंदल के निधन के बाद में यहाँ पर उपचुनाव हुआ,
और उपचुनाव में सावित्री जिंदल रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती 2005 में उपचुनाव। सावित्री जिंदल को हरियाणा सरकार में वजीर बनाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। 2009 का फिर चुनाव आया तो 2009 के चुनाव में फिर से सावित्री जिंदल चुनाव जीती। उसके बाद चुनाव आया 2014 का, तो 2014 का चुनाव ऐसा चुनाव था कि जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयार बहने लगी थी। कमल गुप्ता को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और कमल गुप्ता चुनाव जीत गए। उन्होंने सावित्री जिंदल को चुनाव में हरा दिया 2014 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में कमल गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने फिर टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस से अब की बार सावित्री जिंदल नहीं थी और सावित्री जिंदल जिंदल परिवार एक तरह से उस समय राजनीति से तटस्थ हो गया था और तटस्थ होने के चलते जिंदल परिवार से कोई कैंडिडेट था नहीं और कमल गुप्ता फिर से चुनाव जीते बड़े अंतर के साथ में। आजकल कमल गुप्ता सरकार में वजीर हैं, पहले लोकल बॉडी मिनिस्टर थे, उसके बाद में आजकल वो हरियाणा सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री हैं, सेहत मिनिस्टर हैं। पिछले कुछ दिनों से ये हवाएं हैं कि अब की बार यहाँ पर जिंदल परिवार अपना दावा कर रहा है। हिसार विधानसभा सीट पर नवीन जिंदल का परिवार अपना दावा कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नवीन जिंदल, उनकी माताजी सावित्री जिंदल और उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया कुरुक्षेत्र से लोकसभा का। नवीन जिंदल के भाजपा में शामिल होने की जो रूपरेखा रची गई थी उसके अंदर और तो सब पहलू थे, लेकिन उसके अंदर नवीन जिंदल जी के भाई सज्जन जिंदल का भी बड़ा रोल था उनको भारतीय जनता पार्टी में नज़दीक लाने के। एक दौर वो था जब भारतीय जनता पार्टी को नवीन जिंदल के अंदर तमाम कमियां दिखाई देती थी और फिर 2024 का वो दौर आया कि जब नवीन जिंदल आंखों के तारे हो गए भारतीय जनता पार्टी के, नैन तारा बन गए। चुनाव में उनको टिकट दिया और अब की बार वो कुरुक्षेत्र से सांसद बन गए। अब सांसद बनने के बाद नवीन जिंदल और जिंदल परिवार की निगाह हरियाणा विधानसभा की कई सीटों पर है। 2-3 सीटें चाहते हैं जिंदल साहब कि उनके समर्थकों को मिले, लेकिन उनमें जो प्रमुख है सीट वो है हिसार की विधानसभा। हिसार विधानसभा से अब की बार नवीन जिंदल परिवार फिर से टिकट चाहता है और संभवतः वो टिकट चाहता है वापस सावित्री जिंदल के लिए, नवीन जिंदल की माताजी। मैं आपको बताता चलूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, हिसार लोकसभा के लिए जो टिकट रंजीत सिंह चौटाला को मिला, रंजीत सिंह चौटाला के चुनाव की कमान पूरी जो संभाली हुई थी वो कमल गुप्ता ने संभाली हुई थी, जो हरियाणा सरकार के वजीर हैं, और कमल गुप्ता के साथ में गौतम सरदाना जो वहाँ के निवर्तमान मेयर हैं उनके पास कमान थी। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना वो ऐसा बना, हालांकि दावा तो ये था कि अकेले हिसार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रंजीत सिंह चौटाला 70,000, 80,000, 60,000, 90,000, मतलब ये तमाम गिनतियां की जाती थी कितने वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। रंजीत सिंह चौटाला चुनाव तो जीते, लेकिन उनका वो जो जीत का मार्जिन था वो नहीं रहा जो भाजपा के नेताओं के दावे थे। इधर क्योंकि जिंदल परिवार पूरी तरह से लगा रहा था कुरुक्षेत्र के अंदर, उनके लिए कुरुक्षेत्र अग्नि परीक्षा थी, परीक्षा की घड़ी थी, और कुरुक्षेत्र जीतना जरूरी था इसलिए जिंदल परिवार तो वहां था। और अगर आप माने तो सावित्री जिंदल ने जो पार्टी ज्वाइन की वो हिसार में की। मनोहर लाल आए, नायर सिंह सैनी आए, उन्होंने सावित्री जिंदल को शामिल करवाया, लेकिन हिसार के अंदर जो वर्किंग थी वो वर्किंग जिंदल परिवार की लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाई। माना यह जाता था कि जिंदल परिवार की वर्किंग कम होने की वजह से भी थोड़ा सा वोट परसेंटेज घटा, लेकिन ये जरूर है कि कमल गुप्ता की जो लोकप्रियता थी जिस पर वो दो बार चुनाव जीत गए, वो धीरे धीरे जो शिखर पर थी वो शिखर से धरती पर आनी शुरू हो गई। और इधर जिंदल परिवार इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना वजूद बढ़ाता जा रहा है, उनका आकार बढ़ रहा है, तमाम लोग उनके समर्थक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और सांसद बनने के बाद यानी कि कुरुक्षेत्र का चुनाव जीतने के बाद वैसे ही उनकी लोकप्रियता में इजाफा और हो गया। अभी हाल ही में जो आपको बता रहा हूँ कि टसल्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए कमल गुप्ता और नवीन जिंदल परिवार के बीच में, वो टसल्स कुछ इस प्रकार है कि अभी हाल ही में एक बस स्टैंड का मसला था, वहाँ पर बस स्टैंड शिफ्टेड होना था, लेकिन इधर अड़ गई थी जिंदल परिवार सावित्री जिंदल अपने समर्थकों के लिए कि ये नहीं होगा, और कमल गुप्ता लाचार हो गए। भाजपा आलाकमान के सामने भी उनको लाचारी उनकी सामने दिखाई दी, और जिससे तय होने लगा कि कमल गुप्ता का जो सूर्य वहाँ का पूरे उठान पर था वो अब अस्तांचल की तरफ है। अगर अगला मैं आपको बताऊं तो हिसार के अंदर आप एक चीज़ और मान सकते हैं दोस्तों,
कि कमल गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि उनके नेचर में थोड़ा सा जो उनका स्वभाव है वो थोड़ा सा रूखा और तीखा हो गया है। पिछले दिनों भी बात आई कि उन्होंने उनके एक उनको एक व्यक्ति ने गाड़ी का एक फोटो था, उनको एक फूल के बुके भेंट कर रहे थे, तो वहां पर कमल गुप्ता साहब ने कह दिया कि जो हमारे समर्थक नहीं है हम उनके बुके भी नहीं लेते, यहां तक की बातें थी। यानी कि ये राजनीति के अंदर, क्योंकि राजनीति के अंदर और खासकर जब चुनावी राजनीति आ जाए तो लोग पराये को अपना बनाते हैं, लेकिन अगर कोई कमी रह जाए और इस प्रकार का व्यवहार हो तो फिर उससे कुछ संदेश जाते हैं। और जब आपको बता रहा हूं कि नवीन, हालांकि कमल गुप्ता का भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा असर रसूख है, कमल गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। और मैं आपको यहां पर और एक बात जोड़ दूं कि एक दौर वो था जब नाम चल पड़ा था कि क्या कमल गुप्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन इस सबके बावजूद अब, क्योंकि अब हमेशा राजनीति हो, समाज नीति हो या कुछ भी हो, उसके अंदर समय बदला करता है। और आज का जो बदला हुआ समय है, आज का जो बदला हुआ समय कुछ ऐसे संकेत दे रहा है कि जैसे कमल गुप्ता की पकड़ ढीली हुई है, नवीन जिंदल परिवार ज्यादा प्रभावशाली हुआ है। एक तो उनको बुला करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छुड़वाकर बीजेपी ज्वाइन करवाकर उनको जो टिकट दिया गया, फिर उनके चुनाव प्रचार में, नवीन जिंदल के चुनाव प्रचार में जिस प्रकार भाजपा के तमाम दिग्गज पहुंचे, योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं की सभाएं हुई, नायब सिंह सैनी ने वहां खूब पसीना बहाया, मनोहर लाल उनके अंग संग दिखाई दिए नवीन जिंदल के, तो उससे ये भी संदेश चला गया कि नवीन जिंदल का कद भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा है। और अब जब बात चल पड़ी है विधानसभा चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी को यह है कि क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल सरकार को हो चुके हरियाणा के अंदर, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री और भाजपा की जो दिखाई दी उसको देख करके भाजपा के नेता अगली रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 303 से भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई, और जबकि दावा था 400 पार जाने का। इस हालात में हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर मैं आपसे हिसार की बात कर रहा हूं तो फिर कमल गुप्ता की भी एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है, 10 साल से वो भी विधायक हैं। और दूसरा, उस पर सबसे जो मुख्य बात हो गई कि नवीन जिंदल परिवार की वहां पर प्रभावशाली एंट्री। तो ऐसे में अब हिसार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत जोर से हैं कि नवीन जिंदल परिवार के चलते गुप्ता जी का कमल मुरझा सकता है, यानी कि कमल गुप्ता की सीट, कमल गुप्ता की टिकट खतरे में आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी कमल गुप्ता को अपना चेहरा ना बनाए, इस बात की चर्चाएं भी बहुत जोरों से हैं। वैसे आपको क्या लगता है, खासकर जो हमारे हिसार फतेहाबाद के सुधी दर्शक हैं, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी कमल गुप्ता को टिकट देगी, और या फिर नवीन जिंदल परिवार उन पर भारी पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि अगर जिंदल परिवार से, खासकर सावित्री जिंदल या जिंदल परिवार को विधानसभा का टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर वो कितना प्रभावी हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि इनके सामने, यानी कि जिंदल परिवार के सामने कांग्रेस कौन कैंडिडेट दे सकती है, इनेलो जजपा इनकी क्या स्थिति रह सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं, और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।